तो ना मैं दोपहर को यही साग ले आई थी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी साग बनाना था। और साग को धो धा के ना मैंने जल्दी से इसको काट के मशीन के ऊपर उबलने के लिए भी डाल दिया था, क्योंकि बच्चों का साग खाने के लिए काफ़ी मन था, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी ही काट दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं इस टाइम जो है मैं गेहूं बना रही हूं, क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि मेरा ना वो आटा ख़त्म होने लग पड़ा है, तो मेरे पास गेहूं थी ना, तो मैं उस गेहूं को बना रही हूं। और गेहूं इतनी गंदी है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा पत्थर निकल रहे हैं और पत्थर भी मिट्टी की तरह निकल रहे हैं। आज इसको ना बनाते हुए मेरे को तीसरा दिन है 15 किलो ही कनक है, लेकिन इतनी गंदी है ना कि पहले ने इसको छानने के साथ अच्छी तरह से छानना पड़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ मैं किसके साथ छान रही हूँ इसको। ये देखिए, ये छानना है। मैं इसके साथ ना अच्छी तरह से इसमें गेहूँ डाल रही हूँ, और पहले इसको ऐसे ऐसे हिला के जो है ना पत्थर नीचे इन छेदों से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, छेद काफ़ी बड़े नहीं है, लेकिन सबसे पहले गेहूँ को इससे छानना पड़ रहा है। वो बारीक बारीक जो गेहूँ है ना, वो भी इन छेदों से बाहर निकल रही है। और ये देखिए कितनी गंदी गेहूँ है, और आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, पत्थर है ना बारीक बारीक। ये देखिए इस तरह से पत्थर जो है ना वो निकल रहे हैं, और इतनी गंदी इसकी कंडीशन है ना, मन कर रहा है कि इसको बनाऊँ ना। ये देखिए अभी इतनी सी ही बनाई है, हो सकता है बीच में, वैसे तो मैंने बड़ी सावधानी के साथ बनाए हैं। और ये देखिए एक पत्थर और निकल गया। अभी ना इसको बाद में मैं फिर से बनाऊँगी, अभी तो ना फिलहाल मैंने चश्मा भी नहीं लगाया है। और ये देखिए इतनी सी बना दी है, बीच बीच में कंकड़ बच रहा है, लेकिन बाद में मैं फिर से बनाऊँगी। और ये थोड़ी सी बची है कनक, ये देखिए गेहूँ कनक बोलते हैं ना हम इसको, गेहूँ को कनक बोलते हैं। और इस टाइम देखिए धूप जो है ना अभी थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, और ये पुरु के पापा यहाँ पे सोए हुए थे, दुकान से आए थे और वो चले गए हैं। और बच्चों के ना यूनिफॉर्म आज मैंने धो के डाल दी है, यहाँ पे दीदी ने धोए हैं ये कपड़े, ये भी ITI की यूनिफॉर्म है। ये देखिए ये जो पेंट दिखाई दे रही है ना, ये जिठानी के लड़के की है ITI की यूनिफॉर्म, और मैंने अपने बेटे और बेटी की इस साइड यूनिफॉर्म धो के डाल दी है। और इस साइड जो है ना छाया आ गई है, छाँव आ गई है, ये देखिए। इस टाइम ना यहाँ पर धूप नहीं आती है, और जब मैं यहाँ पे बैठी थी ना गद्दे के ऊपर तो अच्छी तरह से धूप लग रही थी, और अब ना चली गई है, और पीछे से ना पीठ में ठंड भी लग रही है। तो अभी ना मैं फटाफट ये कनक बना लेती हूँ, ये देखिए। और दीदी देखिए नीचे बैठे हुए हैं, स्वेटर लेके स्वेटर बना रही है। ये भी पहले ऊपर बैठे हुए थे ना, इनको ठंड लग रही थी, और ये नीचे चले गए क्योंकि नीचे जो है ना आंगन में धूप लगती है। नहीं पहले थल खुल जगह देखो इसका। हाँ हाँ मिलिए ला दस लाओ खुल लेना। हाँ निखार बंद करते हैं, तब ये सब टाइट कराइए ना। तो ये कल ना मैंने यहाँ पे गेहूँ डाल दी है, और जो इतना छोटा सा पोर्शन बचा है ये वाला, यहाँ पे पालक, हाँ पालक का एक पैकेट था वो वाला डाल दिया है, क्योंकि पहले ना हम इस जगह में जो थे वो सरसों लगाते थे, लेकिन ना यहाँ पे इतनी सारी छाया होती है कि जिसके कारण यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और आगे वाले ना इसमें भी हमने यहाँ पे ही गेहूँ लगा दी है, भाई इतने बड़े बुरे हाल हो गए हैं यहाँ पे कि कुछ भी चीज़ जो लगाते हैं ना यहाँ पे पैदा ही नहीं होती है। तो इसलिए हमें ना इस बार जो है हमने जो अपने खेत जो थे ना वो भी हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, कुछ भी नहीं डाला है हमने अपने खेतों में। और ये देखिए आधी लकड़ियाँ मैंने यहाँ पर भी रखी है, और अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये लोगों के जो खेत है ना यहाँ पर, सारे इतने जो खेत है सब में हम यहाँ पर गेहूँ डाला करते थे, हम 3-4 यहाँ के बन्नेदार लगते थे, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे ना गेहूँ नहीं लगाई है। और ये तो आपको पता ही है ये हमारा खेत है, और ये देखिए यहाँ पे ना इन्होंने काम लगाया हुआ है। पहले तो हमारा विचार बन गया था कि हम गेहूँ डाल देंगे अपने खेतों में, लेकिन यहाँ पे ना इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो आवारा पशु है ना वो बार बार आके यहाँ पे हमारे घास को खा जाएंगे, गेहूँ को खा जाएंगे, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। और मैं आपको ना उस दिन मैंने बताया था कि हमारा जो केले थे वो
गिर गए, वो एक्चुअली गिरे नहीं थे, वो आवारा पशु आए थे ना, उन्होंने यहाँ से इसके साथ पेड़ के साथ लड़ाई कर रहे थे, और सारा इन्होंने यहाँ से पेड़ का ना एक जो साइड थी वो पूरा ही गिरा दिया है, ये देखिए। और अब जो है ना ये छोटा सा ही पेड़ बच गया है, अब बस इसकी एक दो छोटी छोटी टहनियाँ ही बची हैं, और आवारा पशुओं तो भाई क्या बोल सकते हैं, कसूर आवारा पशुओं का नहीं होता है, आवारा पशुओं का तो कोई भी कसूर नहीं होता है, क्योंकि लोग जो करते हैं ना, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे भाई, गाय वगैरह रखते थे, दूध के लिए रखते थे, तो बोलते थे कि जी हमारी गाय है, हम ऐसा करेंगे, दूध है, ये हमारी गौ माता है। लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं ना, लोग जो है वो बोलते कुछ है और करते कुछ है, क्योंकि अब लोग जो कर रहे हैं, जब उनको मतलब होता है ना गाय के साथ दूध वगैरह निकालते हैं, और जब बेचारी गौ माता जो होती है ना, वो गाय दूध देना बंद कर देती है, तो वो क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, और फिर बेचारी गाय क्या करेगी। इसमें आवारा पशुओं का कोई भी कसूर नहीं होता, अगर बोला जाए ना तो कसूर जो है वो लोगों का है, क्योंकि आजकल जितने भी आवारा पशु सड़कों में घूम रहे हैं, कहीं कल मैं गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि डेथ हुई थी, मैं वहाँ पे गए थे, तो परोर में इतने आवारा पशु थे, बोला जाता है कि परोर में एक गौशाला बनाई गई है, लेकिन सब बोलने की बातें हैं, कोई भी गौशाला वगैरह नहीं बनाई गई है, और लोग तो इतनी पिटाई करते हैं ना इन पशुओं की, कि कई पशुओं की हालत भी देखने के लायक नहीं होती है, डंडों से इतना मारते हैं ना कभी कभी, तो सोचो इन पशुओं को जुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकते हैं, तो लोग इतनी बड़े बुरे हाल से मारते हैं। कई लोगों ने तो अपने खेतों में वैसे लोहे की तारे लगा ली है ना, वो तो ठीक करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना जानवर की तरह इन आवारा पशुओं को मारते हैं। अब देखिए इन पशुओं के आगे आवारा नाम किन लोगों ने दिए हैं, इन्हीं नहीं दिए हैं, जो लोग जो क्या करते हैं, पहले पशुओं को पालते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, तो भाई हमने इसके चलते ना हमने अपने खेतों में जो था वो काम करना छोड़ दिया, और अभी ना इस टाइम में घर में कोई भी नहीं है। पुरु के पापा जो थे ना, मेरे ताया जी के लड़के की डेथ हुई थी आज से एक साल पहले, तो वहाँ पे आज बारकी है, एक साल पूरा हो जाता है तो हम बारकी बोलते हैं, वहाँ पे गए हैं, और बच्चे स्कूल गए हैं, दीदी शायद पता नहीं बड़े दीदी के पास गए होंगे, और घर में मैं ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर में आपसे बात कर लेती हूँ। आजकल ना ठंड इतनी हो गई है कि काम करने का भी जरा मन नहीं करता है। अभी आ गए हम अपने रूम में, सोच रही हूँ थोड़ा सा मशीन का काम कर लूँ, क्योंकि मशीन का काम इतना होता है और ठंड इतनी है, अंदर की बैठने का भी मन नहीं करता, क्योंकि आजकल तो ठंड में यही मन करता है कि धूप में बैठे, और धूप में बैठ के ना आलस पड़ जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि पुरु ने ना खरीद गई है थोड़ी सी, अपनी दादी के साथ गई थी ना, तो वो क्या क्या खरीद के लाई है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि पुरु ने क्या खरीद की है। वो उस दिन अपनी दादी के साथ गई थी ना, तो ये देखिए विंड चीटर खरीद के लाई है। काफी दिनों से बोल रही थी कि मैं विंड चीटर खरीदूंगी, तो ये ना उसकी दादी ने उसको खरीद के लिए है, ये देखिए पता नहीं 800 की, हाँ 800 की बता रही थी, ये देखिए। इसमें ना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, क्योंकि सुबह ना अपने भाई के साथ स्कूटी में जाती है, तो जब ये डालेगी तो मना कर रही है वैसे तो, कि स्कूल के लिए मैं ये नहीं लगाऊंगी। अच्छा है वैसे, इसमें ना हवा जो है अंदर नहीं जाती है, और एक लेके आई है वो अपने लिए बेल बॉटम पैंट, ये देखिए मैडम के नखरे, बेल बॉटम इतनी बड़ी हो गई है, छोटे से होते हैं ना बच्चे तब बोलते हैं छोटे छोटे, अब देखिए इतनी इतनी बड़ी हो गई, ये देखिए नीचे से ना इसका घेर खुला होता है, और ऊपर से घुटनों के ही साइज का होता है, ये देखिए उल्टा बताई जा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए बेल बॉटम पैंट है भाई इसकी, ये देखिए काफी दिनों से पता नहीं क्यों पसंद आती है इसको, ये देखिए बेल बॉटम पैंट, और इसके साथ लाई है वो, ये देखिए गरम टॉप भी बोल सकते हैं इसको, गर्म इनर भी बोल सकते हैं, व्हाइट कलर की लाई है, पता नहीं इसको व्हाइट कपड़े और ब्लैक ज्यादा पसंद आते हैं, ये देखिए स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेचेबल अच्छे हैं कपड़े, वो छोटू मल को भी, उसको भी छोटे वाले को भी लाए हैं ना पिशु को कपड़े, लेकिन वो क्या करता है भाई कपड़े अपने ना जैसे लाए हैं तो वो कपड़े पहले ही अपने लगाने पड़ता है, ये लगाने लग पड़ता है, तो इसलिए हमने ना उसके कपड़े जो है दादी ने वो छुपा के रख दिए हैं, क्योंकि उसका बर्थडे जो है ना
25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन आता है तो उसी दिन उसको कपड़े बताएंगे, नहीं तो वो पहले ही डालने लग पड़ेगा।